आखिर क्या हुआ था जब हनुमान जी की शक्ति बाली के अंदर समा गई? हनुमान जी और बाली का युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। एक तरफ प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी और दूसरी तरफ उनसे युद्ध करने की मूर्खता करने वाला बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ रिस्क का पुत्र बाली अत्यंत ही शक्तिशाली था। उसने रावण जैसे योद्धा को भी युद्ध में हराया था। वह किष्किंधा का राजा था और देवराज इंद्र का धर्म पुत्र भी था। लेकिन बाली इतना शक्तिशाली क्यों था, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाली और हनुमान जी के बारे में। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्रदेव से एक स्वर्ण माला प्राप्त हुई थी। इसी माला की वजह से बाली लगभग अमर ही था। कोई भी अगर बाली के सामने युद्ध करने आता तो उस माला की वजह से उसकी आदि शक्तियां बाली के अंदर स्वतः ही समा जाती थी, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली अत्यंत शक्तिशाली हो जाता था और हर बार ही युद्ध जीत जाता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग यह बात जानते हैं कि एक बार ऐसा समय आया जब बाली और स्वयं पवन पुत्र महाबली हनुमान आमने सामने हुए थे? आप यह सोचेंगे कि आखिर उस युद्ध में कौन जीता होगा, तो इस घटना के बारे में ही आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक दिन हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उसी वक्त अपनी ताकत के मद में चूर बाली लोगों को धमकाता और डराता हुआ वन में पहुँचा, जहाँ पर हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। बार बार चिल्ला कर यह बता रहा था कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे युद्ध में परास्त कर सके। उसके अंदर इतना घमंड आ गया था कि जब जब वह पद रखता तो उसके सामने अगर कोई पेड़ भी आ जाता था तो वह उसे भी उखाड़ कर फेंक देता था, क्योंकि वह अपना रास्ता नहीं बदलता था। वहीं पास में ही महाबली हनुमान जी तपस्या में लीन श्री राम का नाम जाप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा था और उन्होंने बाली से कहा, हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? इतनी बात सुनते ही बाली भड़क उठा। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली और कहा, हे वानर, इस वक्त तू जिसकी भक्ति कर रहा था मैं उन्हें भी हरा सकता हूँ। अब हर कोई यह बात तो जानता ही है कि हनुमान जी वैसे तो बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं। अगर उनके बारे में कोई कुछ कहेगा तो हंसते हंसते उसे टाल देंगे। लेकिन जब बाली ने उनके प्रभु श्री राम के बारे में बोला तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार किया। फिर दोनों के बीच में यह तय हुआ कि अगले दिन सुबह सूर्य उदय होते ही दोनों के बीच में एक युद्ध होगा। उसके बाद बाली अपने राज्य के लिए निकल गया और हनुमान जी अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान करने लगे। जैसे ही हनुमान जी अपनी कुटिया में पहुँचे, वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वे बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में मैं अगर उसकी चुनौती आज स्वीकार कर दूँगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसीलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो तुम युद्ध कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का सिर्फ दसवां हिस्सा ही लेकर जाएं, बाकी की अपनी बची हुई शक्ति को अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दीजिए। युद्ध के पश्चात यह शक्ति फिर से तुम हासिल कर लेना। यह सुनकर ब्रह्मा जी की बात हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का कुल दसवां भाग ही लेकर बाली से युद्ध करने के लिए चले गए।
अब बाली और हनुमान जी एक दूसरे के आमने सामने थे। जैसे ही बाली ने हनुमान जी की तरफ पैर बढ़ाया, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार और इंद्र देव के दिए गए माला के कारण हनुमान जी की शक्ति बाली के अंदर समाने लगी। हनुमान जी अपनी शक्ति का दसवां भाग ही लेकर गए थे, उसमें से आधी शक्ति बाली के अंदर समाने लगी और उस समय बाली अपार शक्ति को महसूस करने लगा। अब उसके अंदर शक्ति समाती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर ताकत का समंदर हिलकोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद ही बाली को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कि उसके शरीर की सारी नसें फट जाएंगी और रक्त बाहर निकलने वाला ही है। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। तभी अचानक से बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बाली से कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, वरना तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा और तुम्हारा शरीर नाश हो जाएगा। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को सामने देखकर समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ना जाने कितनी शक्तियां उसके अंदर समा रही हो। दूर जाने के बाद उसे कुछ राहत मिली, शरीर में हल्कापन आने लगा। फिर उसने ब्रह्मा जी को अपने सामने पाया और ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझते हो हे मूर्ख बाली, लेकिन तुम्हारा यह शरीर हनुमान जी की एक छोटी सी शक्ति का तिनका भी सहन नहीं कर सका। तुम्हें मैं यह बताना चाहता हूँ कि युद्ध के एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से यह निवेदन किया था कि वह अपनी शक्ति का सिर्फ दसवां भाग ही युद्ध में लेकर जाएं, ताकि तुमसे लड़ते वक्त उन्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ न करना पड़े। अब जरा यह सोचो कि वह दसवां भाग ही लेकर आए थे, अगर संपूर्ण शक्ति लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह सुनकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली हनुमान जी के सामने पहुंचा और उसने दंडवत प्रणाम करके उनसे बोला कि अथा बल होते हुए भी आप शांत रहते हैं और राम जी की भक्ति करते रहते हैं, और एक मैं मूर्ख जो अपने बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए ललकारा, मुझे क्षमा करें। इस तरह हनुमान जी और बाली का युद्ध तो टल गया, क्योंकि बाली हनुमान जी के 10% शक्ति को ही नहीं संभाल सके। तो अब आप इस खास व्याख्या से यह तो समझ सकते हैं कि जब हनुमान जी अपनी शक्ति का दसवां भाग ही बाली के समक्ष युद्ध में लेकर गए तो भी बाली हनुमान जी के सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाया। तो सोचिए रावण का क्या होता जो स्वयं बाली से हारा था।